हेलो गाइस एंड एवरीबॉडी वेलकम टू द न्यू वीडियो फूड एंड। तो दोस्तों आज हम लोग एक नई स्ट्रीट फूड वीडियो कवर करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है स्ट्रीट फूड बर्गर्स पे। बहुत टाइम हो गया मेरा बर्गर खाने का मन था, वो भी स्ट्रीट फूड वाले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के लिए वो वीडियो कवर भी की जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बर्गर बनता कैसे है वो वाला और वो टेस्ट में कैसा होता है। सो गाइस ये रहा भैया का वो स्टॉल, आप देख सकते हैं भैया ने कितना अच्छे से साफ सुथरा रखा हुआ है पूरा स्टॉल। सबसे अच्छी बात भैया ने सारी सब्जियां पहले से ही चॉप करके कितने अच्छे से रखी हुई हैं और सजा रखी हैं ताकि कोई भी चीज़ कोई भी प्रोसेस में उन्हें प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ बनाते हुए। यहाँ पे चाउमीन भी मिलती है और भी कई सारी चीज़ें मिलती है, बट आज हम लोग जो खाने वाले हैं वो खाने वाले हैं बर्गर, जिसके लिए भैया ने टिक्कियाँ पहले से ही बना के रखी है। ये हाफ फ्राई है ना भैया टिक्कियाँ? हाँ भैया हाफ फ्राई है। तो भैया आप ऐसा करिए हमारे लिए 6 बर्गर बना दीजिए 15 रुपये वाले, 5 पैक होने और एक हम खाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? बनवा दीजिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले भैया ने टिक्कियाँ ली और ये जाएंगी इस कढ़ाई में, और कढ़ाई की सबसे अच्छी बात भैया का ऑयल बहुत क्लीन है। अदरवाइज़ और जगहों पे क्या होता है पुराना ऑयल यूज़ होता है, काला हो जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी केस नहीं है एंड विच इज़ वेरी गुड। आपको अगर इतने रीजनेबल प्राइस में अगर इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज ये हमारी टिक्कियाँ आई थिंक अब फ्राई हो गई हैं, भैया अब इन्हें निकालने वाले हैं। बढ़िया टिक्की निकल गई, अब इसमें हमारा बर्गर फ्राई होगा ना भैया? बढ़िया। तो दोस्तों अब बर्गर जाएगा इसमें, ये भैया ने बर्गर ये आ गए भैया के बर्गर। और ये भैया ने मुझे बताया कि इन जो बर्गर होते हैं इसमें तेल अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि भैया ऐसे आप देख सकते हैं फुल तेज़ वाली आंच पे इसे पका रहे हैं, इसे तल रहे हैं, जिस रीजन से जो तेल है इस बर्गर के अंदर नहीं घुसता है। तो एक बार में भैया ने 4 बर्गर, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है साइज़ में इसी हिसाब से बनाई गई है, तो ये 4 बर्गर फ्राई होने के बाद हम 2 और फ्राई करवाएंगे और 6 के 6 बर्गर एक साथ बना के आपको दिखाएंगे ताकि आपको बनते हुए देख के भी मज़ा आए। ज़्यादा बर्गर जब एक संग बनते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में भी और सोचने में भी कि हम इसे खाने वाले हैं। ये 2 बर्गर अभी हमारे और हैं, ये गया एक, ये गया एक। बढ़िया बढ़िया। और दोस्तों जब तक ये बर्गर फ्राई होते हैं आप देखिए भैया यहाँ पे मोमोज भी सर्व करते हैं, वेज मोमोज हैं। और कौन कौन से मोमोज हैं भैया? वेज ही भैया, सिर्फ वेज है। क्या कॉस्ट है भैया? 10 के 4 पीस। 10 के 4? बढ़िया, बहुत रीजनेबल है यार, 10 के 4 नॉट एट ऑल बैड। सो आपको 20 के 8 मिलने वाले हैं। बर्गर हमारे सारे तल चुके हैं, सारे तल गए ना भैया? हाँ भैया। अच्छा 4 ये हैं और 2 उधर पड़े हैं अभी हमारे, वो आएंगे अभी हमारे पास। ओके भैया आप देख सकते हैं मोमोज की प्लेट बीच बीच मैंने आपको दिखा दिया, अगर मोमोज खाने का मन हो तो फटाफट भैया की शॉप पे आओ और मोमोज का मजा लो। ओके तो भैया अभी हमारे बर्गर को पहले स्लाइस कर रहे हैं। सो गाइस बर्गर हमारे सारे स्लाइस अप हो चुके हैं, अब इसकी फिलिंग होगी प्रॉपरली, तो वो अब हम फोकस करते हैं। और अब आप देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है सारे बर्गर जब एक संग खुलेंगे, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो भैया आपने कभी 1500 रुपए से बड़ा वेरिएंट रखा है? नहीं रखा नहीं, कभी नहीं, सिर्फ 15 का ही रखा हमने, ज्यादा झंझटबाजी नहीं। सही है, बढ़िया है। नहीं नहीं सही बात है। आप देखिए भैया ने हमारे बर्गर से मसाला तो डाल दिया है, अब ये भैया क्या कर रहे हैं चॉप वेजिटेबल्स में भैया की वो से एक एक करके सेट कर रहे हैं ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप बहुत ज़्यादा बर्गर्स बनाते हैं तो आपका एक डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए ताकि हर चीज़ स्पीड अप हो जाए एंड विच इज़ वेरी गुड। तो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी भैया की, भैया ने खीरा रखा, टमाटर रखा और इसके बाद जाएगा इस पर अनियन भी। अरे वाह बढ़िया, तो ये हमारी अनियन गई इसके ऊपर, ये देखिए आप नीचे से दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। बढ़िया, अब क्या क्या जाएगा भैया स्टोन? ओके अच्छा टिक्की, ओके बढ़िया। तो ये टिक्की आ गई भैया हमारे पास बर्गर के, 6 बर्गर के लिए 6 टिक्कियाँ। और ये गई एक रेड चटनी, ये जो रेड चटनी है भैया ये आप किस किस चीज से बनाते हो भैया? भैया इन तीनों चटनियों से बनाते हैं। अच्छा तो बेसिकली ये मोमोज वाली चटनी, रेड वाली और ग्रीन, ग्रीन वाली और ये मेयोनीज, और ये जो मेयोनीज है आप ये घर की बनाते हो राइट? हाँ। बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी घर पे ये ऑरेंज चटनी बनानी हो तो आप भी मेयोनीज, हरी वाली चटनी और मोमो चटनी बना के ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जो हरी चटनी है भैया ये आपकी प्रॉपर धनिया वाली है ना? हाँ। या पुदीना भी है? नहीं खाली धनिया, खाली धनिया। बढ़िया, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आहा बर्गर देख के मुंह में पानी आ रहा है। भैया ने इसके ऊपर डाला चॉप्ड बंद गोभी, आहा लाजवाब।
इसके ऊपर जाएगी हल्की सी मेयोनीज। और भैया की मेयोनीज देखो आप कितनी गाढ़ी है, और घर पे बने होने की वजह से मुझे इसका टेस्ट ज़रूर टेस्ट करना है एक बार, और आपको बताना भी है कि भाई इनकी मेयोनीज कैसी है। अगर घर की मेयोनीज अगर अच्छी हो तो भाई जन्नत है बिल्कुल ही। और ये गई अब हमारी टिक्कियाँ इसके ऊपर, पूरा जो भी मटेरियल है टिक्की खीरा टमाटर प्याज। 15 रुपये का बर्गर तला हुआ, काफ़ी टाइम बाद मुरादाबाद के बाद मैं चंदौसी में खा रहा हूँ, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग कि मुझे ये बर्गर मिला इस स्टॉल पर। तो भाई अब ये बर्गर हमारा तैयार है, एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ भैया, ये तैयार है ना वैसे? तो भैया इसमें अब एक बर्गर तो आप हमें यहीं दे दो, और बाकी के जो बचे 5 वो पैक कर देना, ठीक है ना दोस्तों? ये आप एक बार एक क्लोजअप और ले लो बर्गर का, आ हाँ हाँ पैक होने से पहले। ये देखिए लाजवाब बर्गर, जो अगर शाम को अगर आप चटोरे हैं मेरी तरह तो आप भी चंदौसी आके बाहर निकल सकते हैं और एक बार इन बर्गर्स का टेस्ट कर सकते हैं। कर दीजिए भैया। हाँ हाँ ओके, चटनी और लगी? अच्छा चटनी उधर जा रही है भैया। चाउमीन क्या बना रहे हो भैया? राइस है। अच्छा राइस बन रहा है, फ्राइड राइस, लेकिन हमारा फोकस आ रहा है इस पर है भैया। 5 पैकों ने एक खाना है। बड़े खाने वाला कर दो आप पहले, पैक आप करते रहना आराम, ठीक है ना? मुझसे खाते हुए बता देंगे। ओके इसके संग हमें मिलती है केचप और हल्की सी मेयोनीज एक्स्ट्रा मिलती है। चलिए बढ़िया, तो पैसा वसूल है दोस्तों पूरा। आप ये 15 रुपये का बर्गर देख सकते हैं, तो आइए फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। हर्षिल भाई पहले आप एक क्लोजअप लो बर्गर का। तो दोस्तों ये आप बर्गर है 15 रुपये का, इसमें हमें टिक्की मिली है, मेयोनीज मिली है, बंद गोभी मिली है, प्याज टमाटर खीरा और फ्राइड बन मिला है, संग में मिली है सॉस और मेयोनीज। तो आइए इसे टेस्ट करते हैं, बट टेस्ट करने से पहले ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे ये हमें मिला है थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र, हाँ हाँ हैंड सैनिटाइज करते हैं और आप खाते हैं इस बर्गर को। तो ये गया मेरा पहला बाइट, जैसे मैंने उठाया, बाइट क्या उठाना ही पड़ेगा पूरा। ये गया सॉस मेयोनीज, ये अमेजिंग बर्गर यार, 15 रुपये के हिसाब से मतलब मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा कहीं पर। दिल्ली में कुछ जगहों पे 20 रुपये का 25 रुपये का देता है, उसमें पनीर का एक्स्ट्रा पीस लगा देते हैं और वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता है, क्योंकि पनीर इतना सा होता है। तो एक बाइट और लेते हैं यार इसकी। हर्षिल मुझे हमेशा अच्छी अच्छी जगह दिखाता है। ट्रूली अमेजिंग। तो भाई कभी चंदौसी आओ और शाम को स्ट्रीट फूड खाने का मन करे बर्गर टाइप, भैया के स्टॉल पे जरूर आना। एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अमेजिंग यार, मैं इसका मज़ा लेता हूँ। वीडियो लाइक नहीं करिए तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो मेरे भाई। बाय बाय।